देखो जी, बड़ा ही फिक्रमंद समय। मैं समझदा कि डर लगन लग पे। पंजाब अगे बहुत माड़े हालातों विचों लंघिया, जिदे करके पंजाबियों नूं ते पंजाब नूं नुकसान बहुत होया सी। डर लगता जिवें हालात बनते जाते हैं कि दोबारा ओह जे हालात ना बन। मैं तां अज तुहाडे राहीं, तुहाडे चैनल राहीं ये सरकार नूं बेनती करना चाहुंदा कि सीरियस हो, तुहानूं जिम्मेवारी मिल गई। हरेक चीज़ ब्रेकिंग ते हेडलाइन नहीं बनानी चाहिए। हरेक गल विच सियासी लाभ या फायदा देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो इस करके जो सरकार का पिछले 2-2.5 महीनों का रवैया, वो मैं समझदा बड़ा गैर जिम्मेवार है। जथेदार जी ने बयान दिता सी, ठीक है, उन्होंने आपकी सोच मुताबक। सो उदन वो ये लगता सी कि जथेदार जी ने बयान क्यों दिता, उन्होंने तो दिता सी कि हरेक बंदा आपकी सुरक्षा कर सके। पर उदन महसूस होंदा सी कि जथेदार जी ने पता नहीं बयान क्यों दिता। पर मैं समझदा कि उस परमात्मा की जगह पर बैठे ने, उन्होंने जिम्मेवारी मिली है, तो की पता उन्होंने ज्ञान होया होवे। अज मूसेवाले की मौत तो बाद लगता कि हरेक बंदे आपकी सुरक्षा आप करनी पैनी है, जो हालात पंजाब बनते जाते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नाल दी तो चीज़ ही कोई नहीं रहेगी। जो कुछ होया इस तो माड़ा की हो सकता। देखो जी, बड़ा ही फिक्रमंद समय। मैं समझदा कि डर लगन लग पे। पंजाब अगे बहुत माड़े हालातों विचों लंघिया, जिदे करके पंजाबियों नूं ते पंजाब नूं नुकसान बहुत होया सी। डर लगता जिवें हालात बनते जाते हैं कि दोबारा ओह जे हालात ना बन। मैं तां अज तुहाडे राहीं, तुहाडे चैनल राहीं ये सरकार नूं बेनती करना चाहुंदा कि सीरियस हो, तुहानूं जिम्मेवारी मिल गई। हरेक चीज़ ब्रेकिंग ते हेडलाइन नहीं बनानी चाहिए। हरेक गल विच सियासी लाभ या फायदा देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो इस करके जो सरकार का पिछले 2-2.5 महीनों का रवैया, वो मैं समझदा बड़ा गैर जिम्मेवार है। जथेदार जी ने बयान दिता सी, ठीक है, उन्होंने आपकी सोच मुताबक। सो उदन वो ये लगता सी कि जथेदार जी ने बयान क्यों दिता, उन्होंने तो दिता सी कि हरेक बंदा आपकी सुरक्षा कर सके। पर उदन महसूस होंदा सी कि जथेदार जी ने पता नहीं बयान क्यों दिता। पर मैं समझदा कि उस परमात्मा की जगह पर बैठे ने, उन्होंने जिम्मेवारी मिली है, तो की पता उन्होंने ज्ञान होया होवे। अज मूसेवाले की मौत तो बाद लगता कि हरेक बंदे आपकी सुरक्षा आप करनी पैनी है, जो हालात पंजाब बनते जाते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नाल दी तो चीज़ ही कोई नहीं रहेगी। जो कुछ होया इस तो माड़ा की हो सकता। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो। देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने। घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान। वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नु मनाना, प्यार मोहब्बत। बाबा यामीन बंगाली 96435032121।